गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमने देख लेंगे यूनिट नंबर 2 आफ्टर अ बैथ का पेज नंबर 17। पेज नंबर 17 में लेट्स स्टॉप, ये जो है आपकी बुक में पेज नंबर 17 लेट्स स्टॉप वाला एक्सरसाइज। तो लेट्स स्टॉप में क्या एक्सरसाइज है, दैट इज क्वेश्चन आंसर्स। ओके, तो लेट्स स्टॉप के एक्सरसाइज में क्वेश्चन आंसर्स में 4 क्वेश्चंस हैं स्टूडेंट्स, उसमें से अपने पढ़ लेंगे। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है, डू यू लाइक टू हैव अ बाथ, से व्हाई। यस, लास्ट वीडियो में अपने ने आफ्टर अ बाथ का पोयम एक्सप्लेनेशन देखा था, उसका कुछ न्यू वर्ड्स देखा था एंड लेट्स रीड का सेंटेंसेस भी कर लिया था। ओके, टुडे वी गो टू क्वेश्चन आंसर्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा पूछा है स्टूडेंट्स, डू यू लाइक टू हैव अ बाथ, से व्हाई। वो ऐसे क्वेश्चन कर रहे हैं अपने को कि क्या आप सब स्टूडेंट्स को, बच्चे को आपको बातिंग करना अच्छा लगता है। यस, तो क्यों अच्छा लगता है। ओके, तो उसका आंसर होगा आई एस, यस यस, बातिंग करना तो सबको अच्छा लगता है। क्यों, यस टू कीप अवर बॉडी क्लीन। डू यू लाइक टू हैव अ बाथ, यस। तो आगे क्वेश्चन है से व्हाई, our body clean। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कैन यू बाथ योरसेल्फ। ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं नंबर 2 में कि क्या आप अपने आप से बातिंग कर सकते हो स्टूडेंट्स। यस, तो यस आई कैन, अपने आप बातिंग कर सकते हो। यस आई कैन, वापस कैन यू बाथ योरसेल्फ, यस आई कैन। ओके, थर्ड क्वेश्चन है, हाउ डू यू ड्राई योर सेल्फ। बैटिंग तो करना अच्छा लगता है आपको, क्यों, क्योंकि बॉडी क्लीन रखने के लिए भी। यस आई कैन, अपने आप भी बैटिंग करते हूँ। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, हाउ डू यू ड्राई योर सेल्फ, आप अपने आप को ड्राई कैसे करते हो। यूजिंग टॉवल एंड रबिंग माय बॉडी। तो पोयम के एक्सप्लेनेशन में भी मैंने क्लियरली बताया था कि आप अपने आप को ड्राई कैसे करते। कोई डॉग का भी एग्जाम्पल था पोयम के अंदर, कि डॉग होता है उसे कोई जरूरत नहीं है, उसे कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो वैसे ही बात ना, अगर ऐसे ही खड़े रह जाए जैसे शेक करना है वो तो अपने आप सूख जाएगा, नहीं। लेकिन ह्यूमन बींग अपने होते हैं तो यूजिंग टॉवल यूज करते हैं एंड रबिंग माई बॉडी। ओके, फोर्थ क्वेश्चन है, हैव यू सीन एन एनिमल ड्राइंग इटसेल्फ। यस, फोर्थ क्वेश्चन ऐसा पूछा है स्टूडेंट्स कि क्या वो कोई भी एनिमल्स को, जैसे कि पोयम में था एक छोटा सा डॉग, कैट, आपके घर पे आप पालते होंगे, संभालते होंगे तो उसको भी निलाते होंगे, उससे भी बातिंग करवाते होंगे। यस, तो वो कैसे सूखता है, आप उसे कोई हेल्प करते हो। नो, ओके, तो वो अपने आप उसको ड्राई कर लेता है। ऐसा क्वेश्चन है, हैव यू सीन एन एनिमल ड्राइंग, क्या आप लोग ने देखा है कि कोई एनिमल कैसे अपने आप को ड्राई कर लेता है। तो उसका आंसर होगा आई एस, यस। ओके, एक पेज नंबर 17 का लेट्स स्टॉप का क्वेश्चन आंसर्स है। क्वेश्चंस भी लिखना है आपके नोटबुक के अंदर, लेकिन क्वेश्चंस आप अपने टेक्स्ट बुक में से लिखोगे, अपने टेक्स्ट बुक में से क्वेश्चंस लिखोगे एंड वीडियो में से आंसर्स। ओके, तो वही पेज नंबर में लेट्स शेयर वाला है, उसके नीचे का जो एक्सरसाइज है लेट्स शेयर वाला, तो वो भी करेंगे। पुट अराउंड व्हाट यू डू आफ्टर अ बाथ, ऐसे टू सेंटेंसेस गिवन है, उसके साथ टू पिक्चर्स भी दिया है। ऐसे पूछ रहे हैं कि आप बातिंग करने के बाद ये दो सेंटेंस में से आप क्या करते हो घर पे। यस, थ्रो द वेट टॉवल ऑन द फ्लोर। देखो, थ्रो द वेट टॉवल ऑन द फ्लोर, जैसे ही नहाकर आते हो आप अपने टॉवल ऐसे ही गीले गीले नीचे फेंक देते हो, ये फर्स्ट सेंटेंस। सेकेंड सेंटेंस है स्टूडेंट्स, हैंग द वेट टॉवल टू ड्राई। देखो, फर्स्ट में क्या था, आप नहाकर आते हो जब, तो आपके टॉवल ऐसे ही फेंक देते हो, गीला टॉवल कहीं नहीं। ओके, सेकेंड सेंटेंस ऐसा पूछा है, हैंग द टॉवल टू ड्राई, के ऐसे बाहर सुखाने के लिए जाते हो। ओके स्टूडेंट्स, तो जो आप करते हो आपके घर में, फेंक देते हो
होगा वर्ड। ओके पेज नंबर 17 में ही वापस देखो, ये बहुत सारा पिक्चर्स दिया है। फर्स्ट इज ट्राउजर, शूज, शर्ट, सॉक्स, कैप एंड बेल्ट पिक्चर्स दिया है। ये जो पिक्चर्स दिया है ऊपर उसका नीचे स्पेलिंग भी दिया है, जैसे कि फर्स्ट ट्राउजर, तो ट्राउजर स्पेलिंग बी में है, फर्स्ट का बी ट्राउजर। सेकेंड पिक्चर है शूज, तो शूज का स्पेलिंग है एफ, तो शूज के पिक्चर्स में एफ शूज स्पेलिंग में आपको मैचिंग करना है स्टूडेंट्स। थर्ड इज शर्ट, तो शर्ट पिक्चर इज गिवन, तो उसका स्पेलिंग का है यस फर्स्ट वन एस एच आई आर टी शर्ट। ओके फिर सॉक्स भी दिया है, तो सॉक्स का स्पेलिंग का है स्टूडेंट्स बी में नंबर टू में एस ओ सी के एस सॉक्स। फिर लास्ट सेकेंड है कैप, तो कैप का स्पेलिंग का है स्टूडेंट्स यस सी में है, तो कैप के पिक्चर और कैप के स्पेलिंग में मैचिंग करना है यस। अब लास्ट वन इज बेल्ट, तो बेल्ट का स्पेलिंग का है स्टूडेंट्स यस ई नंबर में, बेल्ट पिक्चर भी बेल्ट स्पेलिंग कुछ ऐसा है मैच द पिक्चर्स विद द स्पेलिंग्स। ओके ये भी आपको बुक में करना है। अब पेज नंबर 18 का करें, पेज नंबर 18 18।
आपको होमवर्क में पेज नंबर 17, 18 करना है आपके नोटबुक में 3 times. आपके नोटबुक में करना है स्टूडेंट्स 3 times पेज नंबर 17 and 18. आप टेक्स्ट बुक में भी करोगे. टेक्स्ट बुक में करने के बाद आपको कंपलसरी आपके इंग्लिश के नोटबुक के अंदर करना है. ओके, कितने टाइम्स करोगे स्टूडेंट्स? 3 times. ओके, अब बाकी का एक्सरसाइज नेक्स्ट.